हाय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इस्टोनिया के बारे में आप सभी ने सुना होगा। इस्टोनिया है जिसकी कैपिटल है टैलिन। देखिए अभी यहाँ पे मैं आपको एक वीज़ा दिखाऊंगा। फ्रेंड्स देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पे, इस्टोनिया लिखा है और डेट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये जो भाई साहब हैं काफ़ी करीबी दोस्त हैं। ठीक है, अभी इस्टोनिया पहुँच चुके हैं। अब उनका देखिए वीज़ा का देखिए यहाँ पर डेट कब से कब तक है, पढ़ के दिखा रहा हूँ आपको। 15 मई से 27 अगस्त, 15 मई से 27 अगस्त आप खुद देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। देखिए ये इस्टोनिया का वीज़ा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इस्टोनिया कंट्री। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, जो इस्टोनिया का वीज़ा क्यों दिखा रहा हूँ, सबसे पहले जानिए कि जो टैलिन कैपिटल है, टैलिन तालिन जैसे भी आप बोलते हैं, ठीक है, प्रोनाउंस करते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। टैलिन है बहुत सुंदर जगह, घूमने के लिए अच्छी है, ठीक है, काम करने के लिए अच्छी है। वहाँ पर क्या क्या आपको मिलता है, ठीक है, अगर आप टैलिन को मैप में देखें, ठीक है, टैलिन को मैप में देखें तो वहाँ का जो पोर्ट है फ्रेंड्स, जो वहाँ का पोर्ट है, बहुत बड़ी बड़ी वहाँ पे जो मर्चेंट शिप्स हैं वो वहाँ पे जाती हैं। ठीक है, और हर तरह का वहाँ पे सामान जाता है। जो वहाँ का सबसे बड़ा जो हार्बर है, कार्गो हार्बर, उसको बोलते हैं मुग्गा, मुग्गा हार्बर उसको बोला जाता है। ठीक है, ये 17 किलोमीटर टैलिन से, जो राजधानी है टैलिन से दूर है, मुगा मुगा जैसे भी आप प्रोनाउंस करें, देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, वो मेन मेन कार्गो हार्बर है पोर्ट ऑफ टैलिन का, पोर्ट ऑफ टैलिन का। ठीक है, अब क्योंकि ये मेन कार्गो हार्बर है, कार्गो हार्बर है, यहाँ पे हर टाइप की जॉब अवेलेबल है, हर टाइप की। आप मतलब कंस्ट्रक्शन में देखिए, आप वेयर हाउस में देखिए, ठीक है, सप्लाई चेन में देखिए, आईटी में देखिए, ठीक है, क्रेन ऑपरेटर, ठीक है, वेल्डर, हर तरह की। क्योंकि देखिए कोई भी जो पोर्ट होता है उसमें हर तरह की डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल होती है, क्योंकि सारे मिलकर एक पोर्ट को चलाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए सबसे बेस्ट तरीका अगर आपको इस्टोनिया जाना है, अभी जो सबसे जल्दी आपको वीज़ा मिल रहा है 2 से 3 हफ्ते में, वो है जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया था, वो है इस्टोनिया का टूरिस्ट वीज़ा। अगर आप वो लेके जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि ये मिल आसानी से रहा है। अगर आप स्क्रीन पे देखें, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हैं, मैंने दिखाया था आपको इस्टोनिया का, देख लीजिए एक बार। ठीक है, अभी भाई साहब की फ़ोटोज दिखा नहीं सकता फ्रेंड्स, अलाउड नहीं है। तो 3 महीने का वीज़ा, 3 महीने बहुत ज़्यादा टाइम है। ठीक है, आप टैलिन में फ्रेंड्स अगर पहुँचते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब देखिए इसको अप्लाई करने का प्रोसीजर समझिए, बहुत ही सिंपल है। टूरिस्ट वीज़ा अगर आपको इस्टोनिया जाना है, सेटल होना है, टूरिस्ट वीज़ा लीजिए, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। एक अच्छा सा कवर लेटर बनाइए, ठीक है, बैंक में 3.5 से 4 लाख रुपए दिखा दीजिए, ठीक है, अच्छी सी एक टूरिस्ट आइटनरी कि आप 10 दिन 15 दिन का प्लान बना रहे हैं, क्या करेंगे 1 से 15 दिन, अच्छी सी आइटनरी बना लीजिए। ठीक है, अगर आप खुद बना रहे हैं तो कहाँ कहाँ घूमेंगे टैलिन में, कहाँ कहाँ, टैलिन में बहुत सारी जगह घूमने के लिए। उसके बाद अपना ट्रैवल इंश्योरेंस ले लीजिए जितने भी दिन के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, आपकी जो सैलरी है वो अगर इनकम टैक्स के रेंज में नहीं आ रही है, स्लैब में नहीं आ रही, तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दे दीजिए कि भाई मेरी जो सैलरी है, जो भी है, जितना मैं कमाता हूँ, वो इनकम टैक्स स्लैब में नहीं है, इसलिए मैं आईटी रिटर्न भरता नहीं हूँ, उसको नोटराइज करा लीजिए, वो आपका इनकम टैक्स रिटर्न के बदले काम करेगा। ठीक है, ये सारे लोग जो काम नहीं करते हैं, जिनकी सैलरी नहीं है, वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि भाई मेरी जो मंथली इनकम है, मंथली सैलरी है, वो इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इनकम टैक्स रिटर्न भरा नहीं है, आप ऐसा करके दे सकते हैं। वैसे इनकम टैक्स रिटर्न सबको भरना चाहिए फ्रेंड्स, आपकी सैलरी आए ना आए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपने नहीं भरा है तो वो आप उसमें लगा के एक दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा देखिए इनकम टैक्स रिटर्न भरी है फ्रेंड्स, एक बहुत ही जेन्युइन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप ये लगा सकते हैं कि भाई मेरी सैलरी नहीं है, ये नहीं है, ये लिख के आप उसको नोटराइज करिए। बैंक में जो आप पैसे दिखा रहे हैं उसका एक जेन्युइन सोर्स होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कहीं से भी आपने एक दिन डाल दिया 4 लाख रुपए, तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक ऐसी चीज दिखानी है, कोई प्रूफ जो ये दिखाए कि हाँ भाई ये आदमी वापस आएगा। मैक्सिमम आपके इस्टोनिया के टूरिस्ट वीजा इसलिए रिफ्यूज होते हैं कि वो प्रूफ नहीं दिखा पाते कि भाई हम इंडिया वापस आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है फ्रेंड्स? अपॉइंटमेंट आपको आराम से VFS के थ्रू मिल जाती है। VFS में आप जाएंगे इस्टोनिया, VFS इस्टोनिया इंडिया टाइप करिए, आराम से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। जयपुर में अवेलेबल है, दिल्ली में आराम से आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पेमेंट करिए, VFS पे जाके अपना फाइल सबमिट करिए, वहीं पेमेंट करिए,
2 से 3 हफ्ते में आपका वीज़ा छप के आता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है फ्रेंड्स, लोगों के 1 हफ्ते में भी वीज़ा आए हैं, मैक्सिमम 3 हफ्ते वेटिंग टाइम है। ये जो भाई साहब थे इनका 3 हफ्ता लगा था, ठीक है फ्रेंड्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टैलिन पोर्ट जो मैंने आपको बताया डिटेल्स, प्लीज़ इसके बारे में सोचिए। बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, एस्टोनिया का वीज़ा भी, टूरिस्ट वीज़ा, शेंजन वीज़ा बड़ी आसानी से मिल रहा है। यूरोपियन यूनियन शेंजन कंट्री है, अगर आपने एस्टोनिया का वीज़ा लिया आप पूरे शेंजन में 29 कंट्रीज, पहले 27 था, अभी रोमेनिया बुल्गारिया ऐड हो गया तो 29 हो गया है, पूरे यूरोप में आप भ्रमण कर सकते हैं, सोचिए ठीक है। वीज़ा भी आपको पहली बार अप्लाई करेंगे 40 से 45 दिन का मिलेगा। अच्छी फाइल बनाइए, अगर आप फाइल नहीं बना पा रहे हैं भाई के पास आइए, भाई आपकी पूरी टूरिस्ट वीज़ा की फाइल बना के, जिन लोगों ने बनवाया उनको पता ही है, पूरी टूरिस्ट वीज़ा की फाइल मैं बना के आपको कुरियर करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, टूरिस्ट वीज़ा की फाइल मैं बनाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वीज़ा मैं आपको दे रहा हूँ, नहीं, फाइल मैं आपकी एक नंबर के बना के दूंगा, फाइल आपके घर पे पहुँचेगी, आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, बैंक डॉक्यूमेंट्स, बैंक का स्टेटमेंट, अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट लगाएंगे, VFS में जाएंगे, उसके बाद आपकी फाइल एम्बेसी पहुँचती है, एम्बेसी डिसाइड करती है कि आपको वीज़ा देना है कि नहीं, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि एम्बेसी ही वीज़ा देती है, ठीक है। और वीज़ा की फ़ीस नॉन रिफंडेबल होती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं सिर्फ आपकी फ़ाइल बनाता हूँ एक नंबर की, जिन लोगों ने मुझसे फ़ाइल बनाई है उनको पता ही होगा फाइल कितनी अच्छी होती है। तो अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल बनवानी है मेरे पास आइए फ्रेंड्स, मैं और मेरी टीम आपको एक नंबर की फाइल बना के देंगे। एस्टोनिया, टैलिन, सोचिए इसके बारे में फ्रेंड्स, ये लिथुएनिया, स्लोवाकिया, हंगरी जो मारामारी चल रही है, एस्टोनिया में कोई मारामारी नहीं है, आराम से अपॉइंटमेंट है, 3 हफ्ते में टूरिस्ट वीज़ा है, लेके जाइए, पहुँचिए वहाँ पे और देखिए आपकी लाइफ कैसी चल रही है। टेक केयर, गॉड ब्लेस, और अपना एजेंट खुद बनिए।